एक सनकी डॉक्टर जानवरों के कुछ पार्ट्स को निकालकर एक आदमी फिट कर देता है। इससे वो बच तो जाता है, लेकिन उसके अंदर उन सभी जानवरों की खूबियां भी आ जाती है। जिसके बॉडी पार्ट्स उसके अंदर लगाए गए थे, उस सनकी डॉक्टर ने उसके निचले हिस्से को, यानी कि प्राइवेट पार्ट को, घोड़े का लगा दिया था। इस वजह से बंदर से लेकर बकरी तक को देखने पर भी उसका वो हिस्सा जोर मारने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को आंख पर पट्टी और नाक में क्लिप लगाकर सोकर उठते हुए दिखते हैं। ब्रश करते हुए वो टीवी पर न्यूज सुनता है कि एक लोला नाम की लड़की, जो कि एक साल से पेड़ पर चढ़ी हुई थी, क्योंकि वो इस पेड़ को काटने नहीं देना चाहती थी, वो आज उस पेड़ से उतर चुकी है। यहां हमें पता चलता है कि ये आदमी, जिसका नाम मार्विन है, वो लूला से प्यार करता है और लूला को अपना हथियार देना चाहता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो एक ढीला सा पैंट पहनकर जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे और वो डैड की आत्मा को शांति देने के लिए एक सच्चा ईमानदार पुलिस अफसर बनना चाहता है। हर रोज जॉगिंग करते वक्त एक बूढ़ा, जो हाथ में डंबल लिए इससे आगे निकल जाया करता था, पुलिस स्टेशन में वो एक चपरासी से भी घटिया काम किया करता था, इसीलिए उसे सब लोग परेशान किया करते थे। लेकिन उसे एक बड़ा ऑफिसर बनना था, इसीलिए पुलिस के फिजिकल ट्रेनिंग में जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी से लेकर मोटी औरत तक ने भी भाग लिया था। जब वो स्टेज कर रहा होता है, तभी मोटी औरत के पिछवाड़े में घुसते घुसते बचता है, जिस पर वो औरत कहती है कि क्या देखना है, कभी किसी का सामान नहीं देखा क्या? इसके बाद दौड़ शुरू हो जाती है। यहां पर वो बड़ी पिछवाड़े वाली मोटी औरत भी मार्विन से आगे निकल जाती है। आगे उसे एक बुढ़िया से बच करके निकलना था, लेकिन यहां पर भी वो बुढ़िया से मार खा जाता है, लेकिन किसी तरह उसकी आंख में धूल झोंक करके भाग जाता है। वहां पहुंचने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर उन्हें गोलियां मारकर ट्रेन दे रहा था। मार्विन अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को लघोंट की तरह पहन लेता है और अपने टट्टों पर ही गोलियां खाता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी वो टैनिंग को पास नहीं कर पाता, लेकिन उसका पेशाब निकल जाता है। अगली रात को पार्टी के दौरान उसका सीनियर सार्जेंट का झमकर मजाक उड़ाता है। इसी बीच उसका दोस्त बेताल कहता है कि वो काला है, इसीलिए सभी लोग उसका इज्जत करते हैं और वो कुछ भी कर ले उसे सजा नहीं मिलती। आगे बाथरूम में मार्विन एक जोरदार पाद मारता है कि तभी वहां पर लोला पहुंचती है, तो मार्विन कहता है कि मैंने किसी को देखा नहीं था, इसीलिए मैंने पाद मारा, जिसमें लूला कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो सभी लोग मारते हैं, दरअसल लेडीज बाथरूम में बहुत भीड़ थी, तब मैंने सोचा कि आज यहीं पर कर लूं। एक दिन मार्विन पुलिस स्टेशन में जब अपने सामानों का हिसाब किताब कर रहा था, तभी उसका दोस्त कहता है कि मार्विन थोड़ी देर मेरे टेबल पर नजर रखेगा, क्योंकि मैं खेलने जा रहा हूं। मार्विन मान जाता है और उस टेबल पर बैठ जाता है। इसी बीच उसके काउंटर पर कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि सर जल्दी आ जाओ, ये मेरे रेस्टोरेंट गली नंबर 420 में कुछ लुटेरे मुझे लूटने के लिए आए हैं। इसके बाद मार्विन कहता है, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं तो आपकी दुकान पर हमेशा आता हूं, मुझे आपकी चॉकलेट केक्स बहुत पसंद है। फिर मार्विन फोन को काट कर सभी पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है, लेकिन सभी पुलिस अफसर तो खेलने में व्यस्त थे। इसके बाद वो उस आदमी को बचाने के लिए अकेला ही निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त किसी जानवर से टकराने की वजह से उसकी कार खाई में गिर जाता है। इस एक्सीडेंट में उसकी कार का पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। हम देखते हैं कि उसके कमजोर शरीर में अभी भी थोड़ा बहुत जान बचा हुआ था। रात को एक जानवर उसे उठा करके ले जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आजू बाजू में कई सारे जानवरों को नर्स के कपड़ों में देखते हैं और फिर से बेहोश हो जाता है। आगे जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो अभी भी जंगल में पड़ा हुआ है। घर पहुंचकर मार्विन देखता है कि उसके बॉडी में कई तरह के फिजिकल चेंजेस आ चुके हैं और वो काफी पहले से तगड़ा बन चुका है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 8 दिनों से वो गायब था, यानी कि पिछले 8 दिनों से वो अपने काम पर नहीं आया था, क्योंकि वो 8 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ था। उसके दोस्त जब इसके बारे में पूछते हैं तो वो इस बात को टाल देता है। अगली सुबह जब वो जॉगिंग पर निकलता है तो ऐसा दौड़ता है हुसैन बोल्ट ही दौड़ रहा हो, और वो डंबल वाले बुड्ढे को भी पीछे छोड़ देता है, और तो और वो घोड़े से भी तेज दौड़ने लगता है। आगे वो देखता है कि लूला कोई 3 कुत्ते मिलकर के खींच रहे हैं। जब वो सामने जाता है तभी वो तीनों कुत्ते शांत हो जाते हैं। वहां पर मार्विन उससे कहता है कि मेरा नाम मार्विन है। इस पर लूला उसे कहते हैं कि हां, तुम तो वही हो ना जिसने बाथरूम में उस दिन पाद मारा था
और लोला उसे ये भी कहते हुए केयर सेंटर में काम करते हैं और उसे जानवरों के साथ रहना पसंद है। दूसरी तरफ मार्विन कुत्ते को खेलते हुए देखता है। इसके बाद वो भी कुत्ते के साथ खेलने लगता है। उसे देख लूला को काफी हंसी आती है और वो सोचती है कि तो पूरा का पूरा बकेलूली है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त बेताल के पास एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त एयरपोर्ट पर अब एक इंचार्ज बन चुका है। वो काला है इसलिए सिगरेट पीकर के पैसेंजर के ऊपर धुआं उड़ डाता है और वो लोग उसे कुछ नहीं कहते। इसी दौरान मार्विन को ड्रग्स की स्मेल आती है और वो कुत्तों की तरह दौड़ते दौड़ते हैं और सुनते सुनते ड्रगधारी आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे काट लेता है। पुलिस आकर जब उन दोनों की छुड़ाती है तभी मार्विन कहता है कि इस आदमी के पास एक ड्रग्स है। यह सुनकर पुलिस उस आदमी को अच्छी तरह से चेक करते हैं पर ड्रग्स नहीं मिलता है। इसके बाद मार्विन उसे पीछे घुमाता है और उसके पिछवाड़े को सूखता है और उसके पिछवाड़े के छेद में हाथ डालकर कि ड्रग की पुड़िया को निकाल लेता है। अब इस हैरत अंगेज कारनामे की वजह से वो रातों रात फेमस हो जाता है और उसे छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर बना देते हैं। उसी दिन कुछ रिपोर्टर्स उसे ऊट पटांग सा सवाल पूछते हैं। पहला रिपोर्टर बोलता है, सर क्या ये सही है कि आप किसी का भी पिछवाड़ा सुनकर उसे बता सकते हैं कि क्या है? दूसरा रिपोर्टर कहता है, सर क्या आप पिछवाड़े सूखे बिना ही कुछ बता सकते हैं? तीसरा रिपोर्टर तो हाथ ही कर देता है, कहता है कि सर क्या बता सकते हैं कि मेरे पिछवाड़े में क्या है। रात को जब मार्विन घर लौट रहा था तभी उसे एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि हेलो मार्विन, मैं डॉक्टर गुलू हूं और मैं सभी को चिपकाता हूं। इस पर मार्विन कहता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं वही डॉक्टर हूं जिसने तुम्हारा सर्जरी किया था। उस दिन तुम कार एक्सीडेंट में पूरी तरह से लुढ़क चुके थे। तुम्हारे बहुत सारे बॉडी पार्ट ने भी काम करना बंद कर दिए थे, इसीलिए मैंने कई सारे जानवरों के बॉडी पार्ट को मिला करके तुम्हारे अंदर लगा दिया, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर की बातों को सुनकर के मार्विन समझता है कि शायद इसीलिए वो लोगों का पिछवाड़ा सूख पा रहा है। डॉक्टर उसे कहता है कि देखो मार्विन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना तुम अनर्थ कर दोगे। यहां जब मार्विन डॉक्टर साथ जाने से मना कर देता है तब डॉक्टर उसे बेहोश करके अपने चैम्बर ले जाता है। जब मार्विन को होश आता है तब डॉक्टर उसे अपने जानवरों का कलेक्शन दिखाता है और कहता है कि इन्हीं जानवरों के बॉडी पार्ट्स तुम्हारे अंदर मैंने लगाए हैं, और उसे बोलते हैं कि देखो मार्विन, आपने मेरे साथ ही रहना होगा क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो लोगों को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद भी मार्विन वहां नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब उसका सर्जन चिकन लॉलीपॉप खा रहा होता है और उसे गालियां खिलाता है। सर्जन के जाने के बाद मार्विन उन हड्डियों को डस्टबिन से उठा करके चूसने लगता है। अगले दिन जब वो एक कार का चालान काट रहा था तभी उसके सामने से एक खूबसूरत लेडीज गुजरती है जिसे देखकर मार्विन का सामान उछाल मारने लगता है जो कि एक घोड़े का लगा हुआ था। उस खूबसूरत लड़की को देख करके वो अपने घोड़े वाले सामान को डस्टबिन में रगड़ने लगता है। ऐसी हरकत करते हुए आते जाते लोगों से देख रहे थे। इसके बाद वो लूला के सेंटर में जाता है। वहां पर भी उसके अंदर के जानवर हावी हो रहे थे। वहां पर वो अपने पेट से बांसी भेड़े निकाल करके शुतुरमुर्ग के बच्चे को खिलाता है। यह देखकर लोला समझ जाती है ये तो पूरा का पूरा ही बकलोल है। वहां पर एक बंदर उसे देकर के सोचता है कि शायद वो उसका मौसी का लड़का है, इसीलिए वो उसे एक झापड़ जोर से दे देता है। मार्विन भी बंदर के ऊपर बढ़ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब वो नींद से उठता है तो वो एक कसाई की दुकान पर पाता है और उसका पीड़ित फुला हुआ था, जिसे वो समझ जाता है कि कल रात उसके अंदर जानवर हावी हो गए थे। और फिर वहां से वो दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो एक्सरसाइज करके पेट को कम करता है और डॉक्टर से कहता है, आपने सही कहा था, इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। सबसे पहले तो डॉक्टर उसे भरपेट खाना खिलाता है और कहता है कि देखो मार्विन, तुम्हें इस जानवर पर काबू पाने के लिए अपने भूख प्यास को हमेशा मिटाकर रखना होगा। खाना तो तुम्हें मिल ही जाएगा लेकिन प्यास बुझाने के लिए तुम इसका सहारा ले सकते हो। जिसके बाद वो डॉक्टर बंदरिया को पैंटी पहनाकर उसके सामने ले आता है, लेकिन मार्विन उसके साथ अपनी प्यास मिटाने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर दूसरा सीनियर सर्जन उसे लेकर एक बकरी के मालिक के पास लेकर जाता है। दरअसल पिछली रात उसकी बकरी एक चोरी हो गई थी, इसीलिए सर्जन उसका रिपोर्ट लिखने आया था। इधर मार्विन एक बकरी को बंधा हुआ दिखता है, जिसे देख करके उसके हवस जाग जाती है
और वो बकरी के पीछे लग जाता है, लेकिन वो बकरी उसे अपने ऊपर मुंह मारने नहीं देती है और उसे लात मारकर बहुत दूर फेंक देती है। इसके बाद जब वे दोनों मिनिस्टर के घर पार्टी में जा रहे होते हैं, तभी सर्जन लूला को देखता है और गाड़ी रोक करके उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूला को तो मार्विन का हथियार लेना था, यानी कि वो उसे प्यार करने लगी थी। इसीलिए अगली रात को वो मार्विन से डेट के लिए बोलती है, जिसमें मार्विन भी मुंह उठा करके हाँ कह देता है। आगे वो दोनों मिनिस्टर के घर पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। तभी सर्जन उन्हें बाहर रहने के लिए कहता है और खुद खाना खाने के लिए जाता है, पर मार्विन खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो भी खाना खाने पहुंच जाता है। तभी मार्विन के ऊपर जानवर हावी होने लगता है और वो पार्टी को बर्बाद कर देता है, जिस पर मिस्टर काफी गुस्सा होते हैं। मार्विन को फिर से खतरा महसूस होता है और वो जाकर पानी में डुबकी लगा देता है। हम देखते हैं कि मार्विन पानी में तैरते तैरते मिस्टर के बेटे के पास पहुंच जाता है, जो कि डूब रहा था, और उसे लेकर के पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो पानी के अंदर ही डॉल्फिन की तरह करतब दिखाने लगता है। सभी लोग ये देखकर उसके ऊपर तालियां बजाते हैं। इसके बाद उसके ऊपर फिर से जानवर हावी होने लगता है और वो एक भैंस के तबेले में जाकर कुछ कुछ भैंसों को कच्चा ही खा लेता है। अगले दिन मार्विन को पुलिस इंचार्ज अपने कैबिन में बुलाते हैं और मार्विन से बोलते हैं, जो पिछली रात उस तबेले में घुसा था, क्या वो तुम हो? क्योंकि उसके मालिक ने एक ऐसा स्केच बनाया है जो कि तुम्हारे तरह ही दिखाई देता है, या तुम टोना टोटका करते हो। इस पर मार्विन कहता है, नहीं तो, और वहां के सभी खाने को सफाचट करने लगता है और देते देते सभी खाने को सफाचट कर देता है। ये सब देखते हुए उसे एक महीने के लिए रेस्ट दे देते हैं। अगले दिन जब लूला मार्विन से मिलने के लिए उसके घर आती है, तो वो देखती है कि मार्विन अपने घर को जंगल बना दिया था। मार्विन लूला को अपने पास बुलाकर के सब कुछ सही सही बता देता है कि एक सनकी डॉक्टर ने उसके अंदर बहुत सारे जानवरों के मांस को लगा दिया है और नीचे का तो सामान उसने घोड़े का लगा दिया है। इसके बाद मार्विन लूला को अपने घर जाने को कहता है, क्योंकि रात को उसके ऊपर जानवर हावी हो जाते हैं, लेकिन लूला वहां से जाने के लिए मना कर देती है और पीछे मुड़कर मार्विन का लूला लेने की कोशिश करती है, और आखिरकार मार्विन भी लूला को अपना लूला दे ही देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस पहुंच जाती है कि तुम्हें पता चल चुका है कि वो मार्विन ही है जो कि सभी जानवरों को खा रहा है। मार्विन अपनी जान बचाने के लिए मेंढक की तरफ कूद कूद कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस उसके पीछे पीछे जाती है, इसीलिए मार्टिन जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वहां उसे डॉक्टर गुल्लू मिलते हैं और वो मार्विन से बोलते हैं कि वो एक लड़की को ढूंढ रहा है जिस पर उसने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। फिर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आगे चलकर के डॉक्टर के पैर में मोच आ जाता है और वहां से मार्विन अकेला ही भागने लगता है। आगे जाकर के उसे सर्जन पकड़ लेता है और उसे दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है, कि तभी हम देखते हैं कि सर्जन के ऊपर कुछ चीजें हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि लूला थी। उसके अंदर भी डॉक्टर ने जानवरों के पार्ट्स लगा दिए थे। इसके बाद लूला भी मार्विन को अपनी सच्चाई और दिल की बात बता देती है और दोनों मोए मोए करने लगते हैं। तभी वहां पर सभी पुलिस और कुछ लोग पहुंच जाते हैं और इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर उसका दोस्त बेताल आकर के कहता है कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब क्योंकि वो काला था, इसलिए वो लोग उसे कुछ नहीं कहते और वहां से जाने लगते हैं। दरअसल यहां के लोग काले लोगों को बहुत ही इज्जत देते हैं और यहां के संविधान में काले लोगों के लिए कोई भी सजा नहीं है। फिर भी ये दोनों दोस्त एक दूसरे को इशारा करते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों मिलकर के सेंटर को चलाने लगते हैं, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।